करने के लिए हम लोगों ने विस्तृत प्रपोजल जो करीब 1500 करोड़ से ऊपर का है, 1700 करोड़ का प्रपोजल है, वो सरकार को भेजा हुआ है, जिससे अतिरिक्त प्रशिक्षण केंद्र भी चालू हो जाए। तो हर प्रकार से अधिक सक्षम गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त पुलिस कर्मियों को पुलिस बल में हम लोग शामिल करने की तैयारी कर। स्तर पर विशेष इकाई विशेष कार्यबल गठित है, उसके द्वारा क्या विशेष कार्रवाई अभी तक की गई है जनवरी से लेकर अगस्त तक, वो मैं आपको बताऊंगा, और खासकर अगस्त महीने में क्या उपलब्धि हुई है वो बताऊंगा, और विस्तृत रूप से वो प्रेस नोट में आपके सामने जारी रहेगा। कुल जनवरी से लेकर अगस्त तक हमारा जो विशेष कार्यबल है, जो मुख्यालय स्तर पर अपराध कर्मियों, नक्सलियों और संगठित अपराध के विरुद्ध विशेष रूप से कार्रवाई करता है, उसके तहत कुल मोस्ट वांटेड गिरफ्तार अपराधियों की संख्या 401 जनवरी से लेकर अगस्त तक, जिसमें 13 घोषित इनामी अपराध कर्मी हैं। गिरफ्तार टॉप 10 अपराध कर्मी 88, गिरफ्तार नक्सली 19, जिसमें से एक नक्सली पर इनाम घोषित था। कुल देशी हथियारों की बरामदगी एसटीएफ के द्वारा की गई 183, कुल जिंदा कारतूस की बरामदगी 7588, कुल पुलिस हथियारों की बरामदगी, बहुत सारे हथियार पुलिस से अभियान के क्रम में नक्सलियों के द्वारा कभी लूटे गए होंगे, उन सब की बरामदगी हो रही है, इसमें 5 पुलिस हथियारों की बरामदगी हुई है इस साल, AK-47 3, SLR-1, 303 राइफल 1, जो 303 राइफल है वो इस महीने अगस्त में बरामद हुआ था। कुल डेटोनेटर की बरामदगी है 13,806, इतनी भारी संख्या में डेटोनेटर नक्सलियों के खतरनाक मंसूबों की एक षड्यंत्र हो सकता था, जिसको समय रहते बिहार पुलिस और विशेष कार्यबल की टीम ने विफल कर दिया। तो इस प्रकार से इतनी बड़ी संख्या में अपराध कर्मियों, नक्सलियों की बरामदगी और हथियारों की बरामदगी हुई। इसमें कुछ महत्वपूर्ण गिरफ्तारी जो इस महीने की हैं, यानी अगस्त महीने की हैं, उसमें आपके सामने रखता हूँ। 9 अगस्त को 50,000 रुपये के नामी कुख्यात अपराधी रणवीर यादव को अपने उसके सहयोगी लालू यादव, मोहम्मद जावेद जो खगड़िया जिला के मानसी थाना अंतर्गत NH-31 से छापामारी कर अवैध आग्रह के साथ में एसटीएफ के द्वारा गिरफ्तार किया गया। इस अपराध कर्मी पर 50,000 रुपये का नाम घोषित था। दूसरा 50,000 रुपये के नामी अपराध कर्मी थे, जिनको 18 अगस्त को संजय पिता का नाम राजेंद्र यादव, थाना फुलपरा जिला मधुबनी को गिरफ्तार किया गया। इसके विरुद्ध कई सारे कांड दर्ज थे और 50,000 रुपये के नाम घोषित था। 25,000 रुपये के भी 2 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई। 5 अगस्त को खगड़िया के इनामी 25,000 रुपये के इनामी अपराधी गुड्डू कुमार, और 18 अगस्त को सारण जिला के 25,000 रुपये के नामी कुख्यात वांछित अपराधी जटाशंकर सिंह उर्फ जटा। तो 2 हम लोगों ने एसटीएफ के द्वारा गिरफ्तार किए जिन पर 50,000 रुपये के इनाम, और 2 अपराधी गिरफ्तार किए जिनके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। ये अगस्त महीने के लिए कुल 3 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई अगस्त महीने में, जिसमें 15 अगस्त को खासकर आप समझते हैं कि 15 अगस्त के दिन नक्सली कोई बड़ी घटना कर सकते हैं, तो उसके आलोक में हमारी टीम लगातार सतर्क रहती है, और उसी क्रम में 15 अगस्त को बिहार एसटीएफ की विशेष टीम के द्वारा PLFI नक्सल संगठन के सक्रिय सदस्य विनोद और सूरदेव यादव को गिरफ्तार किया गया, और इनके द्वारा निर्माणाधीन नहर पुल के कर्मियों से रंगदारी की मांग भी की गई थी। उसके बाद लगातार ये हम लोगों के निशाने पर थे, उनकी गिरफ्तारी 15 अगस्त को हुई। 17 अगस्त को एसटीएफ की टीम के द्वारा लखीसराय के कुख्यात वांछित नक्सली मनोज कोड़ा की गिरफ्तारी कजरा थाना अंतर्गत की गई। इसका विस्तृत ब्यौरा हम आपको प्रेस नोट में दे रहे हैं। कुल मिलाकर के कहने का आशय ये है कि अगस्त महीने को अगर देखें तो 2 50,000 रुपये के नामी, 2 25,000 रुपये के नामी और 3 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई। बहुत भारी संख्या में हथियारों की बरामदगी हुई, और जनवरी से लेकर अगस्त तक आपको बताया कुल 183 हथियार और 7588 कारतूसों की बरामदगी हुई, जिसका ब्यौरा हम प्रेस नोट में आपको दे रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने लगातार अपराध कर्मियों के विरुद्ध अभियान चला रखा है, और किस तरह से हम लोग नक्सलियों को ख्यात अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी करते हैं
और उसकी एक संक्षिप्त ब्यौरा आपको दे रहा है। 6 सूचनाएं हमारे पास में है। भागलपुर जिला के पीरपैंती के टॉप 10 कुख्यात अपराध कर्मी लूट कांड के वांछित पंकज यादव को गिरफ्तार किया गया, जो लगभग 10 सालों से गिरफ्तारी से बचते चले आ रहे थे। इनके विरुद्ध 14 कांड दर्ज। भागलपुर की टीम के द्वारा 16 सितंबर को कुख्यात टॉप 10 अपराध कर्मी वांछित मोहम्मद हीरू को खगड़िया पुलिस के सहयोग से खगड़िया थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। खगड़िया के अलौली थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। इनके पास से कारतूस, देशी हथियार वगैरह बरामद है। इनके विरुद्ध 17 कांड दर्ज। कैमूर जिले के टॉप 10 कुख्यात वांछित अपराध कर्मी एवं त्रिचिरापल्ली गैंग के सरगना कुमार सेन को त्रिचुरापल्ली जाकर के बिहार पुलिस के द्वारा 16 सितंबर को गिरफ्तार किया। यह 2016 में कैमूर जिले के मोहनिया स्थित बैंक ऑफ इंडिया में 47 लाख रुपए की डकैती हुई, और उस डकैती में इस त्रिचुरापल्ली गिरोह का नाम आया था। इसके पहले भी कई अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी बिहार पुलिस ने जाके की, अब ये एक शेष अपराध कर्मी था जिसकी गिरफ्तारी हम लोगों ने त्रिचुरापल्ली जाकर के 16 सितंबर को। उसके अलावा टॉप 10 कुख्यात वांछित अपराध कर्मी भोजपुर के तियर थाना क्षेत्र में गिरफ्तार किए गए। इनकी गिरफ्तारी हमने उड़ीसा से जाकर की। इनका नाम है अपराध कर्मी का विनोद यादव। इनके विरुद्ध में 4 कांड दर्ज हैं। 17 सितंबर को उड़ीसा राज्य से जाकर के गिरफ्तारी की। ये आंकड़ा दिखाता है कि अपराध कर्मियों को कहीं भी छुपने की जगह बिहार पुलिस नहीं दे रही है। वो राज्य के अंदर हों, गिरफ्तारी हो जा रही है। अपराध बनाने की योजना कर रहे हो, हम लोग गिरफ्तारी कर रहे हैं, और राज्य के बाहर भी उनको ट्रैक करके इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। अगस्त महीने में पिछले 5-6 दिनों में 2 महत्वपूर्ण गिरफ्तारी उड़ीसा और तिरुचिरापल्ली से हुई। इसके अलावा 2 नक्सलियों की भी गिरफ्तारी और एक हुई है, जिसमें 15 सितंबर को गुप्त सूचना के आधार पर जमुई जिला के वांछित नक्सली किशोर सोरेन उर्फ किशोर मांझी को गिरफ्तार किया गया। इसके विरुद्ध UAPA एक्ट और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के कांड दर्ज हैं। सारण के सरैया थाना में रामबाग स्थित मंदिर के पास कुछ अपराध कर्मी डकैती की योजना बना रहे थे। बिहार पुलिस के द्वारा प्रोएक्टिव पुलिसिंग और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हुए इस डकैती की योजना बनाते हुए 5 अपराध कर्मी राणा कुमार, बिट्टू कुमार, प्रिंस कुमार, भास्कर और कमलेश को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके पास से एक मोटरसाइकिल, एक स्कॉर्पियो, 2 देशी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस बरामद किया। तो ये संक्षेप में वो 6 घटनाएं थी जिसकी हाल में ही बिहार पुलिस के द्वारा उपलब्धि की गई है, और किस तरह से हम लोग अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी करके बिहार के नागरिकों को अपराध मुक्त और बेहतर विधि व्यवस्था दे रहे हैं, इसके बारे में आप संक्षिप्त जानकारी दीजिए।